गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफिनीशन ऑफ पावर टूल्स। क्या उसके मतलब हैं, उसकी परिभाषा। तो पावर टूल एक उपकरण है जो मनुष्य के श्रम के अलावा बिजली स्रोत के द्वारा सक्रिय चलाया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के पावर टूल्स इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ा, ड्रिल और फास्ट स्क्रू गन, इसके उपकरण का निर्माण किया जाता है। और कई लोग अपनी स्वयं की नौकरी जैसे प्रोडक्शन असेंबली, जोड़ना, पैकेजिंग और रखरखाव करते हैं। ये कई आकारों और आकृतियों में उपलब्ध होते हैं और संचालित करने में सरल हैं। प्रत्येक लोकप्रिय निर्माता यह सुनिश्चित करता है कि उसके पावर टूल्स को मानकों के नियमों और विनियमों के तहत चिन्हित किया जाए, ठीक है ना, कि सब स्टैंडर्डाइजेशन रहे, ठीक है ना। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य प्रशासन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक पावर स्क्रू ड्राइवर केवल हमें एवं त्वरित और कुशल तरीके से एक स्क्रू ड्राइविंग क्षमता करेगा। वे पावर ड्रिल की तुलना में धीमी गति से कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि उनके पास अधिक टॉर्क ड्रिल है जो हमें अधिक शक्ति के लिए क्षमता प्रदान करता है। जैसे किसी भी पहले से किए बिना सामग्री के स्क्रू ड्राइव करना, ठोस मॉडल हमें टॉर्क सीमाएं देंगे और आपके अधिकतम टॉर्क सेट करने की अनुमति देंगे। और स्क्रू हेड या स्नैपिंग के किसी भी दुर्घटनाओं को बचाने के लिए टॉर्क का उपयोग करेंगे। पावर स्क्रू ड्राइवर का उपयोग वास्तव में उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और वहाँ प्रोजेक्ट होता है, लेकिन कम बहुमुखी होता है क्योंकि ड्रिल की तुलना में अलग विविधता के रूप में उन लोगों को जानते जिनके ड्राइवर और ड्रिल दोनों हैं। वे कठोर पहुंचने वाले धब्बे और कालो कोनों में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह आमतौर पर अभ्यास से छोटे और केवल एक हाथ को उपयोग करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके सामने ये ड्रिल मशीन का बनी हुई है, जो पावर ड्रिल मशीन है, है ना। अब ये है यहाँ पे क्लैंपिंग के लिए। देखिए ये पावर टूल का उपयोग किया गया है, आपके सामने डायग्राम में दिख रहा है। दो हिस्सों के बोल्ट में तनाव एक क्लैंपिंग बल, आमतौर पर प्री लोड के रूप में जाना जाता है। ये क्लैंपिंग बल बहुत कम है तो फास्टनरों के भाग के बीच कंपन या हिलने के कारण ढीला काम कर सके। यदि एक क्लैंपिंग बल बहुत अधिक है तो फास्टनर लगातार फैल सकता है और अब आवश्यक क्लैंपिंग बल लागू नहीं हो सकता। विशेष मामलों में फास्टनर असेंबली में या लोड के दौरान उपयोग के दौरान में असफलता हो सकती है। टार्क की गणना कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट टार्क। आवेदन के बिंदु से दूरी बल द्वारा लागू मूल्य को गुणा का टॉर्क परिणाम है। पहले भी हमने पढ़ा है टॉर्क के बारे में। नीचे दिए गए दो उदाहरण ए और बी की तुलना में यदि किया जाए तो नट बोल्ट की दूरी बढ़ जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप टॉर्क को कम बल के साथ हासिल किया जा सकता है। यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि कुछ टॉर्क रेंज लंबाई निर्भर है, जिसका मतलब है कि फास्टनर पर लागू वास्तविक टॉर्क भिन्न होता है। अगर रेंच पर हाथ की स्थिति भिन्न है, यहाँ तक कि रेंच प्रीसेट के ऐसा है, तब होता है जब रेंच का मुख्य बिंदु टॉर्क के आवेदन के साथ संयोग नहीं होता। अब ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये रेंच, ये सब मशीन दी हुई हैं जो आजकल उपयोग में लाई जाती हैं। देख लेते बिजली के उपकरण का रखरखाव कैसे, इसका रखरखाव होता है, मेंटेनेंस ऑफ पावर टूल। पावर टूल्स और अन्य मशीनें लंबे समय के लिए डिजाइन की जाती हैं, लेकिन प्रत्येक को अपने जीवन प्रत्याशा को पूरा करने के लिए कुछ देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है। आवश्यकता
रूप से आवश्यक रूप से रख रखाव करने वाले पावर टूल्स का उचित रूप से संग्रहित करना और मशीनी भागों को बदलने से टूल की पूरी क्षमता बढ़ जाती है। इसके मालिक को अधिक मूल्य मिलेगा। उचित भंडारण, प्रॉपर स्टोरेज, कैसे? देखिए, उपकरण भंडारण के लिए 3 दिशा निर्देश दिए गए। सभी टूल्स उपकरणों को संरक्षित करके रखना, जैसे नमी के स्थान पर, एवं स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना, एवं अच्छी तरह से हवादार क्षेत्र में रखना। तत्वों से बाहर उपकरण रख रखाव से उन्हें नुकसान और ख़राब होने से बचाया जाता है। एक स्वच्छ और संगठित भंडारण स्थान सुरक्षा को बढ़ावा देगा और उपकरणों को अच्छी तरह से हवादार रखने में उन्हें भंडारण से बाहर खींचने का समय सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर दिन के अंत में या कार्य के पूरा होने पर सब कुछ वापस रखने के लिए थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन औजारों को संग्रहित करना हमेशा सही तरीके से प्रयास के लायक होगा। सही तरीके से रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब केयर एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाए? भंडारण में पहले बिजली उपकरणों से बदले उपकरणों को पोंछने के लिए टूथब्रश का और नरम कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो बिजली को साफ करने और धीरे धीरे उपयोग के लिए एक एयर कंप्रेसर का उपयोग करें। एक छोटी सी हवा एक लंबा रास्ता तय करेगा। जब कोई मशीन या उपकरण अधिक ले सकता है तो यह कूलर चलाएगा और धीरे धीरे उपयोग होगा। एयर कंप्रेसर 101 लेक के लिए है। लुब्रिकेंट पावर टूल पार्ट्स जिन्हें स्नेहक होने की आवश्यकता, जहां पे हमको ये करना है कि ऑयलिंग ग्रीसिंग चाहिए। टूल के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित निर्देश यहां सहायता करेंगे। एक साथ उपकरण स्क्रू और अन्य फास्टनरों को पकड़ने वाले हिस्सों की जांच करें। ऑपरेशन कार्य के दौरान यह ढीला हो सकता है। विद्युत उपकरण के प्रत्येक उपयोग के साथ विद्युत तारों की जांच करनी चाहिए। एक खराब पावर कार्ड खतरनाक हो सकता है और उपकरण का दोबारा उपयोग करने से पहले इसे बदला जाना चाहिए। पावर कार्ड की अधिक जानकारी के लिए इसे क्लिक करें। ब्लेड और अन्य काटने वाले औजार उपकरणों को तेज रखें। बिट और एक्स सीरीज को पहन कर और नुकसान को चेक करें। उपकरण या मशीन के लिए किसी अन्य रखरखाव दिशा निर्देश का पालन करें। अपने उपयोगकर्ता मैनुअल में समझाएगा। उपयोगकर्ता मैनुअल मतलब जो मशीन मिलती है आपको, उसमें भी एक मैनुअल मिलता है कि हमको इस तरह से मशीनों का रखरखाव करना है। भागों को बदलना, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। कारों और अन्य मशीनों की तरह कई पावर टूल पार्ट्स बनाने प्रतिस्थापना के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बिजली उपकरणों की सेवा जीवन की अपेक्षा कुछ हिस्सों को प्रतिस्थापना में ली जाती है। उन हिस्सों के कुछ उदाहरण जिन्हें आमतौर पर पावर टूल को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, कार्बन ब्रश, स्विच असेंबली, पावर कार्ड, सहायक उपकरण, बियरिंग और टायर हैं। ऊपर दिए गए अनुभागों में सुझाए गए चेक और रखरखाव को करना। जब वे कार्य शुरू करते हैं तो उपकरण प्रदर्शन समस्याओं को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन की समस्या से पहले संकेत पर टूल मरम्मत करना मशीन या उपकरण के अन्य हिस्सों को नुकसान से रोका जा सकता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी आपको इसके रखरखाव के बारे में, है ना, पावर टूल्स का, जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे थे आपके सामने, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम नट्स और लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो ज़रूर अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार करिए। अगली वीडियो में इसका डिस्कशन होगा। आप लोगों ने आज सुना, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।